वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है सभी लोगों के लिए। ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे मेरी टीम की वजह से मिला। मेरी टीम के बहुत सारे लोग मेरे को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि सर एटमी के बारे में हम लोगों को पहली बार में हम ऐसा क्या बताएं कि लोग हमारी बात सुनने के लिए रेडी हों, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी MLM कंपनीज ऑलरेडी रन कर रही हैं और सभी लगभग एक ही बातें करते हैं। तो एटमी में ऐसा क्या ख़ास है या एटमी के बारे में लोग क्यों सुने, एटमी के बारे में हम लोगों को ऐसा क्या बताएं कि लोग हमारी बात सुनने के लिए प्रेफरेंस हो। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखें। ज़रा भी मोटिवेशन इस वीडियो में नहीं रहेगा, सिर्फ एजुकेशन बेस्ड मैं वीडियो बनाता हूँ। तो डायरी और पेन लेकर बैठिए और एक एक पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ, 10 पावरफुल पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ आपको आज एटमी के बारे में, जिसको अगर आप लोगों ने लोगों के सामने सही से रिप्रेजेंट कर दिया तो लोग आपकी बात न केवल सुनेंगे बल्कि आपके साथ एटमी को ज्वाइन भी करेंगे। क्योंकि ये जो बातें मैं बात करने वाला हूँ ये मोटिवेशनल बातें नहीं करने वाला हूँ, ये एक एक चीज़ें स्टडी करी हुई है और आप भी इन चीज़ों को इनमें से जो भी 10 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ये सारी की सारी चीज़ें स्टडी करी गई हैं, एटमी की तरफ से इन्फॉर्मेशन है। और जब आप इंटरनेट पर सर्च भी करेंगे तो ट्रस्टेड साइट्स जो होंगी वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स और डेटा आपको मिल जाएगा, जिनके बेस पे मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ। तो देर ना करते हुए ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो 10 ऐसे पॉइंट्स, सबसे पहले मेरा आप लोगों से एक यही सजेशन है अपनी पूरी टीम से और जितने लोग भी एटमी के लोग हैं जो मेरे चैनल पर आगे आएंगे या अभी हैं और वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि जितना ज़्यादा आप अपनी कंपनी के बारे में, राइट, एटमी के बारे में स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में स्टडी करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका न केवल सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बल्कि आपको और बताने में लोगों को ईजी होगा कि आपको क्या और किससे और क्या बात करनी है, राइट। तो इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहला जो पावरफुल पॉइंट है वो है एटमी लिस्टेड इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया फ्रॉम द प्री लॉन्चिंग फेज। एटमी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिस्ट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर प्री लॉन्चिंग फेज में। अब आप में से बहुत सारे लोग मेरे से एक सवाल पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ और उसका जस्टिफिकेशन भी साथ में देता चलूँगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पूरी नॉलेज है, जो स्टडी है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पूरी तरीके से जाए ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न किसी को ना रहे जब मेरी टीम के या कोई भी जो व्यक्ति हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं वो किसी के भी सामने रिप्रेजेंट करें एटमी को या नेटवर्क मार्केटिंग को, तो सारे जवाब उनके पास होने चाहिए, राइट। तो मेरा सवाल ये है कि जब मैंने यहाँ पर कहा कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ की लिस्ट में इंडिया के अंदर एटमी रजिस्टर्ड है तो इसमें नया क्या है, सवाल आपका ये हो सकता है और ये सवाल जेन्युइन है और जायज़ भी है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ की लिस्ट अगर आप उठा कर देखोगे तो उसमें कम से कम भारत के अंदर 400 से ज़्यादा कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं, तो आप अलग कैसे हुए, राइट। मैंने कहा लिस्टेड इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ इन इंडिया फ्रॉम द प्री लॉन्चिंग फेज। प्री लॉन्चिंग फेज, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ें हैं। आप सोचिए एटमी जितनी भी तैयारी करके आ रहा है ना इंडिया में वो लॉन्चिंग से पहले की ही करके आया हुआ है, यानी उसका विज़न बहुत लंबा है, आगे का सोच रहा है। आप जितनी भी कंपनीज आप उठाकर देख लो डायरेक्ट सेलिंग या DSA के उसमें, राइट, जितनी भी कंपनीज आप लिस्टेड देखोगे वो पहले दिन से, उसमें से मैक्सिमम कंपनीज पहले दिन से रजिस्टर्ड नहीं होती, 3 साल 4 साल 5 साल कंपनी चलने के बाद में अपने आप को MCA में रजिस्टर कराते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी कंपनीज़ क्या करती हैं, MCA की साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग या कंज्यूमर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें रजिस्टर्ड नहीं होते, वो 3 साल 4 साल 5 साल चलने के बाद में अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं, राइट। यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है, इन सारी जगहों पर अपने आप को प्री लॉन्चिंग फेज से पहले ही अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ है, राइट। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की साइट पे आपको मिल जाएगा एटमी, राइट, consumerhelpline.gov की साइट पर भी रजिस्टर्ड है, राइट। और अगर आपको एटमी का बही खाता देखना है, पूरा
पूरी कुंडली, जन्म कुंडली देखनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे consumerhelpline.gov साइट पर जाएंगे या MCA की रजिस्टर्ड साइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको पूरी की पूरी जन्म कुंडली आपको एटॉमी की मिल जाएगी। जो मैं आगे पॉइंट्स रखने वाला हूँ वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल भी जाएंगी जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही डीपली नॉलेज आपको देने वाला हूँ, राइट। सेकेंड जो पॉइंट है वो ऑलरेडी प्रूव्ड इट सेल्फ वर्ल्ड वाइड, एटमी ने अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर दिया है वर्ल्ड वाइड, तब जाके वो आज इंडिया के अंदर लॉन्च हो रही है। एटमी का जो बैकग्राउंड है वो आज का नहीं है, पिछले 10 सालों से वो ग्लोबल मार्केट पर राज कर रहा है। नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन साउथ कोरिया, ये ऑलरेडी है, राइट। नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन जापान, ऑलरेडी है। मलेशिया के अंदर सुपर ब्रांड का अवार्ड ऑलरेडी ये कंपनी ले चुकी है, राइट। ये सारे कीर्तिमान रचने के बाद में ये भारत के अंदर लॉन्च हो रही है, भारत और चाइना के अंदर लॉन्च हो रही है। और एटॉमी का ये इतिहास रहा है, जिस भी देश में इन्होंने लॉन्च किया है उस देश में इन्होंने टॉप पोजीशन पाई है, उस देश में इन्होंने रिकॉर्ड्स ब्रेक करे हैं, उस देश में इन्होंने कमाल का बिजनेस किया है, राइट। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी हु एंटर्ड इन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट विद ए पेड कैपिटल ऑफ INR 10.5। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही पावरफुल पॉइंट है ये, इस पर ज़रा गौर करिएगा। और जो मैंने कहा था कि आप इसको क्रॉस चेक करिएगा, आप कंज्यूमर हेल्पलाइन वाली साइट पर या MCA की साइट पर या इंटरनेट पर भी आप सर्च कर सकते हैं। पहली ऐसी भारत के अंदर कंपनी है, राइट, जो लॉन्चिंग से पहले ही 10.5 करोड़ का पेड अप कैपिटल के साथ में इंडिया में लॉन्च हो रही है। पेड अप कैपिटल क्या होता है ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग बिजनेस बैकग्राउंड से ना हो, उनको नहीं पता, कोई बात नहीं। जब भी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कोई लॉन्ग टर्म विज़न के साथ में बिजनेस करने जाता है, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, कि कोई भी कंपनी जब बड़े पैमाने पर बिजनेस करती है और कोई लॉन्ग टर्म विज़न के साथ बिजनेस करती है तो सबसे पहले एक पेड अप कैपिटल वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में सिक्योरिटी के तौर पर रखती है। और भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो एटमी 10.5 करोड़ की पेड अप कैपिटल इन्होंने ऑलरेडी रिज़र्व बैंक में पेड अप कैपिटल के रूप में रखा हुआ है। अगर आप रिसर्च करेंगे, वैसे तो मैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में नहीं होता हूँ कि उनके नेगेटिव पॉइंट्स में गिनाऊँ, जब भी मैं प्लान करता हूँ या मैं अपनी टीम में भी यही चीज़ें करता हूँ, सभी कंपनियाँ बढ़िया हैं, सभी कंपनियाँ अच्छी हैं, सभी अपने पैमाने पर सही काम कर रही हैं, स्पेशली जेन्युइन कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही हैं, राइट। किसी के भी तुलना नहीं करनी चाहिए कभी, किसी की भी नेगेटिव अपने आप को अच्छा बताने के लिए किसी को गलत बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि लोग कंपैरिजन करते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपसे इतना कहता हूँ, आप गूगल पे जाएंगे और आप हर कंपनी, जिस कंपनी का भी आप स्टेटस निकाल कर देखना चाहते हैं, आप उसका पेड अप कैपिटल सर्च करिएगा, ठीक है ना। तो आपको मैं इतना दावा करता हूँ, दूर दूर तक भारत की जो सबसे टॉप ब्रांड है इस वक्त चल रही है वो भी इस पेड अप कैपिटल के मामले में दूर दूर तक मैच नहीं करता है, राइट। और जो बाहर से आई हुई कंपनियां भारत के अंदर काम कर रही हैं उनके बारे में भी अगर मैं बात करूं तो वो भी दूर दूर तक मैच नहीं करता। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, राइट, और ना ही मैं किसी का नेगेटिव पॉइंट्स बताने की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बताने चाह रहा हूं कि कितने बड़े विज़न और कितनी बड़ी सोच के साथ ये इंडिया में लॉन्च हो रही है, राइट। फोर्थ पॉइंट है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी विद रेवेन्यू ऑफ $1.5 बिलियन इन जस्ट 10 ईयर। 10 सालों के अंदर दुनिया की सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का जो इन्होंने खिताब हासिल किया हुआ वो किस बेस पर है, फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने आप को कहते हैं, उसका कारण ये है कि रेवेन्यू के बेसिस पे 10 सालों में जितना रेवेन्यू एटमी ने किया है 70 साल से चल रही कंपनियों में भी उतना बिजनेस नहीं किया है। 10 साल एटमी का इतिहास हो चुका है ग्लोबल मार्केट में और $10.5 बिलियन का बिजनेस ये ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। जो पांचवा पॉइंट है, एटमी करंट डायरेक्ट सेलिंग रैंकिंग दुनिया की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की जो लिस्ट है DSN की साइट पर आपको मिल जाएगा, तो उस
साइट पर या उस ऑर्गेनाइजेशन की जो रैंकिंग है, जो मापदंड है, उसमें कंपनी दुनिया की 100 कंपनीज में से 11वीं पोजीशन पर है। और ध्यान दीजिएगा, अभी ये 2019 का रिपोर्ट है और अभी इंडिया और चाइना का मार्केट अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, यहाँ बिजनेस अभी ओपन नहीं हुआ है। हालांकि जब यह वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 4 दिसंबर है और 11 नवंबर को कंपनी लॉन्च हो चुकी है। तो अभी रिसेंटली इंडिया की जो नई अपडेट है, राइट, जो DSN की नई अपडेट अभी नहीं आई है, और जिस दिन, और चाइना भी ऑलरेडी लॉन्च हो ही चुका है, तो अब आने वाले एक साल के अंदर, क्योंकि इंडिया और चाइना पूरी प्लैनेट का, इस धरती का 45% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन होल्ड करता है, तो यहाँ पर बिज़नेस कैपेसिटी बहुत ही, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी है। इसलिए ये दोनों मार्केट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट डालने वाले हैं किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और स्पेशली एटमी के केस में, राइट। तो अगले साल या एक दो साल के अंदर ये जो कंपनी है, ये इसी रैंकिंग में, ग्लोबल रैंकिंग के अंदर आपको तीसरे या चौथे पायदान पर दिखेगी। ये 100% होने वाला है, राइट, क्योंकि जिस तरीके की इनकी ग्रोथ है, जिस तरीके की इनकी स्ट्रैटेजीज है, जिस तरीके का इनका बिजनेस करने का तरीका है, और जो इन्होंने पास्ट में किया है, वो सब ये बयान करता है कि ये आने वाले समय में ये ज़्यादा दूर नहीं है कि ये टॉप पोजीशन हासिल कर पाए, राइट। 7th पॉइंट, एटमी स्टार्टेड इन इंडिया विद द ह्यूज सपोर्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। आपको बताऊं कि एटमी को इंडिया में स्टार्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है। इसमें दो रीज़न है। पहला तो इनका GS स्ट्रेटजी, जो जिस माध्यम से ये काम करते हैं ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स का जो इनका पैरामीटर है, जो इनकी स्ट्रेटजीज है, जो कि आज से ही नहीं, पिछले 10 सालों से ये अप्लाई कर रहे हैं अपनी बिज़नेस के अंदर। एटमी पिछले 10 सालों से हर कंट्री के लिए लोकल फॉर वोकल का काम करती चली आ रही है। अगर आपको GS स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता है, बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि बाहर की कंपनी है, साउथ कोरिया की कंपनी है, इंडिया में काम करेगी तो रेवेन्यू बाहर जाएगा। ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। आप लोग GS स्ट्रेटजी के बारे में ज़रूर स्टडी करेंगे, तब आपको सही से इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि एटमी किस पैरामीटर पे काम करेगी, किस विजन के साथ काम करती है, किस, न केवल ये अपने ग्रोथ देखती है बल्कि जिस कंट्री में काम करती है, जिस बिजनेस पार्टनर्स के साथ में काम करते हैं, जिस कंपनीज़ के साथ में इनका टाइप होता है, उन सब का ग्रोथ ये एक साथ चलते हैं। तो जब इनके बारे में आपको स्टडी डीपली करना पड़ेगा, राइट। अब इसमें दो पॉइंट मैं रखूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरीके से सपोर्ट किया हुआ है। पहला तो इनका GS स्ट्रेटजी, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि सपोर्ट करता है लोकल फॉर वोकल को, और ये एक्चुअल मायने में लोकल फॉर वोकल है। जो मेरा GS वाला जो वीडियो है, उसके अंदर मैं पूरी तरीके से इसको डिफाइन करूँगा किस तरीके से लोकल फॉर वोकल का जो एक्चुअल मीनिंग प्रधानमंत्री साहब ने दिया है वो है क्या। लोग इसको गलत ही वे में लेते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, घर का बना हुआ खाओ, और ये एक्चुअल में लोकल फॉर वोकल का मतलब ये नहीं है। थोड़ा सा डिटेल में रिसर्च करेंगे आप, उस वीडियो को देखिएगा, नीचे लिंक में और ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा, राइट। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें दो चीज़ें डिफाइन करी गई हैं। पहला तो लोकल फॉर वोकल का क्या एक्चुअल मीनिंग है, दूसरा एटमी का GS स्ट्रेटजी क्या है, और तीसरा GS स्ट्रेटजी के तहत इंडिया का लोकल फॉर वोकल पूरे वर्ल्ड में कैसे छाने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ, राइट। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी है इंडिया के अंदर, राइट, जिसके साथ इंडियन गवर्नमेंट ने अपना सबसे कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है, पैन कार्ड डेटा सर्वर, वो शेयर किया हुआ है। जो सबसे कॉन्फिडेंशियल डेटा सर्वर है, पैन कार्ड डिटेल का सर्वर जो है, वो एटमी के साथ शेयर किया हुआ है। इसका प्रूफ आपको मैं उदाहरण के तौर पर देना चाहूँगा। जब हम लोग एटमी के अंदर किसी की भी ID रजिस्टर्ड करते हैं ना, तो वहाँ पर हमें नाम टाइप नहीं करना होता है, हमें क्या करना होता है, पैन कार्ड नंबर वहाँ पर टाइप करते हैं और फिर वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो मेरी बात से समझ पा रहे होंगे, या जो लोग नए ज्वाइनिंग करेंगे इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे ज्वाइन करने वाले हैं, उनको ये समझ में आएगा जब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना। तो जब आप ज्वाइन पर जाकर के अपना डिटेल फिल करते हो और वहाँ पर पैन कार्ड नंबर डिटेल डालते हैं और उसके बाद अपना वेरिफिकेशन करते हैं, तो आपको अपना नाम फिल नहीं करना पड़ता है, आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। जो नाम आपके पैन कार्ड पर लिखा होता है वही नाम वहाँ पर सेव होता है, राइट, ऑटोमेटिक, उसमें आपको टाइप नहीं करना होता है। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने अपना डेटा सर्वर
मैच किया हुआ है, शेयर किया हुआ है एटमी के सर्वर से, जिसके कारण ये सब होता है, राइट। तो अब आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं और ये समझ सकते हैं कि जितना इंडियन गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ परखा होगा इस चीज़ को लेकर के, उतना आपने और हम नहीं कर पाएंगे, राइट। अच्छा, दूसरा सवाल यहाँ पर उन लोगों के लिए, बहुत सारे लोग टीम से मेरे कॉल करते हैं कि एटम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो लोग पैन कार्ड और आधार कार्ड अपना नहीं देते हैं क्योंकि कुछ मिस यूज़ ना हो जाए, राइट, एटमी मिस यूज़ ना कर लें। तो उसका भी ऑब्जेक्शन का ये है उत्तर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपना डेटा सर्वर शेयर कर ही दिया है, आप अपनी आईडी दो या ना दो, ऑलरेडी एटमी के पास आपका सबका डेटा है ही। समझने वाली बात है, समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी है। आगे चलते हैं, आठवां पॉइंट जो पावरफुल पॉइंट है वो, एटमी इज जॉइंट वेंचर विद द कोरियन गवर्नमेंट केरी एंड कोलमार। दुनिया की जो केरी है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है कोलमार और केरी के ऊपर, ऊपर आई बटन और नीचे लिंक में आपको डिटेल मिल जाएगा, राइट। मैं एक यहाँ पर एक लाइन में आपको डिफाइन कर दूँ कि ये केरी है क्या। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट रिसर्च सेंटर है नासा के बाद, राइट, नासा के बाद दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट है केरी, और वो सपोर्ट करती है एटमी को, राइट। एटमी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम केरी ही करती है, राइट। और कोलमार दुनिया की टॉप 500 ब्रांड्स, किसी भी ब्रांड का नाम ले लीजिए आप, चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो या ट्रेडिशनल मार्केट हो, सब इनके क्लाइंट हैं, ठीक है ना। तो कोरियन गवर्नमेंट भी एटमी को सपोर्ट कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट भी एटमी को सपोर्ट कर रही है, यानी कि जिस भी देश में ये जाते हैं ना, उस देश की इतनी इतनी एथिकल कंपनी है। इसके बारे में हम किस तरीके से ये एथिकल है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो इतनी एथिकल तरीके से ये काम करती है कि हर देश की कंट्री की जो पॉलिसीज़ हैं उसको ऑटोमेटिकली ये फुलफिल करते ही करते हैं, राइट। आगे चलते हैं, नाइन्थ पॉइंट जो है इनका वो, अ कंपनी हु जनरेटेड 2.5 लाख स्टेबल मिलेनियर्स इन जस्ट 10 ईयर्स। 10 साल का ग्लोबल इतिहास है एटमी का, और 2.5 लाख से ज़्यादा स्टेबल, स्टेबल मतलब ये कि नहीं एक बार आपने 2.5 लाख या 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंच गए तो आगे पीछे ऊपर नीचे इनकम होती है, फ्लक्चुएट होती है ना। एक बार आप जिस पोजीशन पर पहुंच गए तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी इनकम घटेगी नहीं, बढ़ेगी ज़रूर लेकिन घटेगी नहीं, राइट। तो इसे बोलते हैं स्टेबिलिटी। तो 10 सालों में 2.5 लाख से भी ज़्यादा स्टेबल मिलेनियर्स इन्होंने प्रोड्यूस किए हुए हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए, जो कि बहुत ही पावरफुल एजुकेशन सिस्टम है एटमी का, राइट। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की इतिहास में जाएंगे, चाहे इंडियन हिस्ट्री देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग की या फिर वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री देखेंगे, तो भी आपको कोई भी ऐसी MLM कंपनी नहीं मिलेगी जो 10 सालों के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा मिलेनियर प्रोड्यूस किया हो जाते, राइट। आगे चलते हैं, 10वां पॉइंट, वर्ल्ड्स फर्स्ट बिलियन डॉलर कंपनी विद मोर देन 20 लाख डिस्ट्रीब्यूटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन इंडिया ऑन इट्स प्री लॉन्चिंग फेज। सबसे बड़ी बात है, प्री लॉन्चिंग फेज के अंदर 20 लाख से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हो चुके हैं एटमी में, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊँ, ना तो प्रोडक्ट है, ना कंपनी है, ना कंपनी का कुछ दिखाने वाला है, ना कंपनी का ब्रोचर तक आया इंडिया के अंदर, ना प्रोडक्ट आया, ना प्लान आया, ना कुछ, हवे में ही आदमी 20 लाख लोग ज्वाइन हो गए। ऐसा नहीं होता है, कुछ तो बात होगी। और एक चीज़, प्री लॉन्चिंग फेज़ के अंदर कोई भी फ्रेशर व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता है क्योंकि उसे नॉलेज ही नहीं होती MLM की, तो वो प्री लॉन्चिंग के फेज़ में कैसे ज्वाइन कर लेगा। 20 लाख वो लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं, जानते हैं, उनका पिछला बैकग्राउंड है, और जो इसको डीपली रिसर्च कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, कंपनीज़ को, कौन सी कंपनीज़ में क्या सही है क्या गलत है, वो सारी चीज़ें रिसर्च कर सकते हैं। ऐसे लोग ही प्री लॉन्चिंग फीस में ज्वाइन होते हैं, और आप लोग समझ सकते हैं 20 लाख नेटवर्कर अगर ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है, 20 लाख से भी ज़्यादा डेटा है, ये तो अप्रॉक्सीमेट डेटा मैं बता रहा हूँ, राइट। आप सोच सकते हो क्या कमाल का बैकग्राउंड होगा, क्योंकि आप कम समय में कम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन 20 लाख लोग बेवकूफ़ नहीं हो सकते, राइट। माय डियर फ्रेंड, ये वो 10 पॉइंट है जिन पर अगर आप गौर करेंगे, राइट, और अगर आप स्टडी करेंगे और डिटेल में अगर आप देखेंगे, समझेंगे, मार्केट में एनालिसिस करेंगे, राइट, और अगर आप
गूगल करेंगे तो ये सारी चीज़ें मेरी पॉइंट टू पॉइंट आपको मैच करती हुई मिलेंगी आपको, राइट। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात को पूरी तरीके से मान लें, बिल्कुल भी मत माने। मैंने शुरुआत में भी वीडियो के कहा था कि आप डायरी और पेन लेकर बैठें और एक एक बात मेरी नोट करें, एक एक पॉइंट मेरा नोट करें और उस चीज़ को क्रॉस चेक करें। मैं यहाँ पर भी आपको लाइव डेमो दे सकता था बट वो वीडियो लंबा हो जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा खुद से मेहनत करें, रिसर्च करें, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा, राइट। और आपको ये बताऊँ कि मैं एटमी के बारे में, ये पहला वीडियो है कि वाई एटमी, एटमी क्यों करना चाहिए। एटमी के इतना बड़ा प्रोफाइल है कि उसको एक वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल है। आने वाले 4 से 5 वीडियो सिर्फ वाई एटमी पर ही रहेंगे, क्यों एटमी करना चाहिए, ठीक है ना। इसके बारे में अगले 3 से 4 वीडियो आने वाले हैं दोस्तों, ये चारों पांचों वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसके बाद एटमी के प्रोफाइल के वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसको स्टडी करिएगा, तब आप जाकर समझ पाएंगे कि क्या है एटमी, राइट। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।